हेलो चिल्ड्रन क्लास नाइन, वेलकम बैक टू द वीडियो। लिटरेचर सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिहार से रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स के लिए। ये जो चैप्टर लिटरेचर का है आपका, इट इज अ पोएट्री। और पोएट्री पे आते हैं, इस पोएट्री को पहले अंडरस्टूड करते हैं कि क्या थीम, क्या मैसेज लेकर आया हुआ रेन ऑन द रूफ। ये जो कोट्स के लिए ने लिखा है, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इस पोएट्री के थ्रू। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। द पोएम इज अबाउट द रेन। द पोएट टेल्स अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मींस ये पोएट्री रेन ऑन द रूफ कोट्स के लिए ने इसने लिखा कि ये इंपॉर्टेंस बताते हुए कि ये रेन की जो बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ रेन, जो छत पे पड़ती है तो उसकी कुछ आवाज आती है एक रिदम के साथ, म्यूजिक के तौर पर। और वो आवाज किस तरह से पोएट को उनके पुरानी मेमोरेबल डेज यानी पुरानी यादों में ले जाता है। तो ये एक मैसेज है कि रेन ड्रॉप्स की धुन, उसकी बूंदे, उसकी धुन किस तरह से एक पोएट को उसकी मेमोरीज में ले जाते हैं, कैसे एक इंसान को उसकी नॉर्मल लाइफ, एक मेमोरेबल लाइफ पास्ट में ले जाता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए पोएट्री है। और दूसरी चीज, इस पोएट्री के तीन स्टैंजा में मैंने पार्ट कर दिया है। फर्स्ट स्टैंजा है व्हेन द ह्यूमिड से लेकर सॉफ्ट रेन ओवरहेड। सेकंड स्टैंजा है एवरी ट्विंकल ऑन से लेकर रेन अपॉन द रूफ। एंड थर्ड स्टैंजा है नाउ इन मेमोरी पैटर्न ऑफ द रेन। तो तीन स्टैंजा में तीन रूप से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है इसे। आप स्टैंजा को पढ़ेंगे, मेरे डायलॉग्स को सुनेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को फिर पॉज करके सेकंड पढ़ेंगे और सुनेंगे, पॉज करके थर्ड पढ़ेंगे फिर सुनेंगे। एंड दिस वे यू विल कंटिन्यू एंड यू विल कम टू नो द ओवरऑल आउटकम ऑफ द पोएट्री। तो सुनिए क्या है। इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हेन द ह्यूमिड से लेकर सॉफ्ट रेन ओवरहेड, द पोएट इज सेइंग दैट डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर व्हिच आर अबाउट टू ब्रिंग रेन होवर अराउंड इन द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। लेकर कहते हैं कि काले बादल पूरी तरह से आसमान में छा गए हैं, चारों तरफ घेराबंदी कर लिया है, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तारे जो निकले हुए थे रात के समय सब ढक गया है, चारों तरफ अंधकार का माहौल है। दिस क्लाउड फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई एंड सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप व्हिच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेकर क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो क्लाउड, काले बादल जो छाए हुए हैं जिसके अंदर काफी मॉइस्चर है, मॉइस्चर जानते ना, ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, ये मॉइस्चर मौजूद है, ये चारों तरफ आसमान में भटक रहे हैं। और फिर कुछ ही देर में ये जो अंधकार है, अंधकार जानते ना क्या चीज की निशानी है, सैडनेस की, सॉरो की, फियर की। तो ये सैड डार्कनेस जो अंधकार है इसको ये धूमिल कर देता है, धो देता है, साफ कर देता है, खत्म कर देता है विद द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदे, बारिश की बूंदों से। और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दुख में ये आंसू बहा रहे हैं, टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ही सेज इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन द कॉटेज एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और लेखक कहते हैं कि ये दृश्य, ये नजारा एक ब्लेसिंग की तरह है कि मैं आराम से अपने कॉटेज पे बिस्तर पे लेटा हुआ हूं और ऊपर जो पानी की बूंदें पड़ रही हैं वो आवाज एक ब्लेसिंग की तरह है। तो यही कॉन्ट्रास्ट है, टीयर्स ऑफ सैडनेस और वो आवाजें इसको एज अ ब्लेसिंग भी फील हो रहे हैं। तो वो कैसे, वो अगले स्टैंजा में आपको एहसास होगा। एंड दैट इज एवरी ट्विंकल ऑन से लेकर रेन अपॉन द रूफ। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग, ही इज एक्सप्रेसिंग, प्रस्तुत करता है, मतलब व्यक्त करता है अपनी फीलिंग्स को व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। जब रूफ के छत पे, छत पर, रूफ पर, उसके टॉप पर जब पानी की टप 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 की बूंदें जब पड़ती है गड़गड़ा के या धीमी धीमी, ही सेज दैट इवन टिंकल, इवन एवरी टिंकल यानी हर एक बूंद की आहट, हर एक बूंद की आवाज हैज एन इको इन द हार्ट। और वो आवाज उसके दिल में एक इको पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। इको जानते हो, साउंड जो टकरा कर किसी सरफेस से टकरा कर रिटर्न बैक आती है, दैट इज कॉल्ड इको। तो वो इको के तरह उसके हार्ट पर फील कराता है, आवाज कराता है, गुंजन कराता है। ही हैज वेरी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन। और ये जो हार्ट में इको के तौर पे वो बूंद जो छत पे टपक रही है, वो जब इकोइंग करता है हार्ट में, तो ये इकोइंग उसको पुरानी, लेखक को कोट्स के लिए, पुरानी यादों में कुछ शानदार खूबसूरत, मतलब जो पुराने पल थे उन यादों में इसको खींच के ले जाता है।
So he says that as you listen to the patter of the rain upon the roof, the memories of the past come back in the form of dreams. और क्या कहते हैं? पानी की बूंदों को सुनते 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 जैसे ख्वाब में चले जाते हैं, ये पुरानी सारी यादें रिकॉल हो जाती हैं, इनकी यादों में आ जाती हैं। वो किसके रूप में? ड्रीम्स के रूप में, ख्वाब के रूप में। अंडरस्टूड हो रहा है? नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी पैटर्न ऑफ द रेन द पोएट सेज दैट। इस स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं? द पोएट सेज दैट ही इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर। तो अब तो आपने पीछे देखा कि पानी की बूंद किस तरह से टकरा, किस तरह से अंधकार के सैडनेस को खत्म किया, और ये मीठी मधुर आवाज टप टप बूंदों की जो छत पे आहट दे रही है, इसको मेमोरी में ले जाता है पोएट। और ये मेमोरी किस चीज से है? तो ये ड्रीम मेमोरी क्या है? द पोएट सेज दैट इज ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, और ये यादें उसकी मां की है, बचपन की यादें, मां की यादें, हु इज नो लॉन्गर अलाइव, जो कि अब जीवित नहीं है, और ये हम सबके साथ है ना, आज न कल हर एक को धरती छोड़कर जाना है, साथ छोड़कर जाना है। वही हाल पोएट के साथ है, मां की यादों में चला जाता है पास्ट में, जो कि उसकी मां की जीवित भी नहीं है। इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, शी यानी मदर यूज्ड टू कंसीडर हिम ए डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। पोएट कहता है कि उसकी मां की यादों में चला जाता है उस आहट से, और वो जब यादों में जाता है तो उसकी माँ की सारी वो घटनाएं, माँ के साथ बिताया हुआ वक्त पल से याद आता है। वो क्या था? वो पास की वो बातें, किस तरह से उसकी माँ से बेहद इंतहा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसकी माँ किस तरह से बेटे को सबसे प्रिय एज अ डार्लिंग मानती थी, जिगर का टुकड़ा, और किस तरह से उसकी माँ पुत्र को कहती थी सोया रहा है, मतलब होता ना कई घरों में लेट कर सोया तो डांटती है, चीखी चिल्लाती थी, उसकी माँ थोड़ी सी विपरीत थी, सोए रहने देती थी, और ड्रीम्स में वो उसकी चेहरे की खुशी जो ड्रीम्स में नजर आती थी, उसकी माँ को अच्छी लगती थी, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी, डिस्टर्ब नहीं करती थी, और सोए रहने देती थी अपने ख्वाबों में, पीछे ड्रीम्स में। द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज ही लिसंस टू द सॉन्ग मेड बाय द रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और लेखक कहता है कि वो आभास कर रहा है, वो फील कर रहा है, एहसास कर रहा है कि उसकी माँ उसे देख रही है, सुन रही है, वो सुन रहा है, उसकी माँ उसे देख फील कर रहा है। द पोएट कैन स्टिल फील दैट मदर लुकिंग एट हिम एज ही लिसंस टू द सॉन्ग मेड बाय, मतलब लेखक का कहना है कि जैसे जैसे वो पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे छत पे गिरना, टपकना और उसकी आवाज आना, उस आवाज से उसका एहसास होना, उसकी माँ देख रही है उसे, इन बूंदों को सुनते हुए मेमोरी में जाते हुए, यानी लेखक को एहसास हो रहा है राइटर को और उसके लिए को उसकी मदर इज वॉचिंग हिम लिसनिंग टू दैट म्यूजिक ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ। लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। द साउंड ऑफ रेन मेक्स हिम correlate his sound of rain makes him correlate his past with his present। और यही आवाजें पानी की बूंदे लेखक को अपने past और present को एक दूसरे से correlate यानी संबंधित करने में मददगार साबित करता है, क्योंकि अब यह एक अकेला है। अगर सिचुएशन देखिए कि अकेला सो रहा है, पानी की गड़गड़ाहट इसकी धुन, ये उसकी धुन को सुनता है, सुनते 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 डीप स्लीप में चला जाता है, मेमोरी में चला जाता है, सुनते सुनते, और ये फील करते हैं कि इसकी माँ उस वक्त इसे देख रही है और ये सब नजारे को आभास करते हुए। That is why the poet is moved by the sound of the raindrops। और इसी कारण से लेखक उस raindrops की आवाजों से moved हो जाते हैं, यानी भावुक हो जाते हैं। Whenever he hears the sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother। और जब भी कभी भी लेखक इस धुन को, इस आवाज को, raindrops को, छत पर टपकने की गड़गड़ाहट की आवाजें, टप 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 की बूंदों की आवाज, जब भी ये सुनता है तो इसकी एहसास, उसको अपनी माँ से लगाव का एहसास और वो पुरानी यादों की तरफ उसको ले जाता है और उस यादों में खो जाता है जहां इसकी माँ इसे देख कहां प्यार करती थी और किस तरह से इसका ख्याल रखती थी और किस तरह से माँ का जिगर का टुकड़ा था, उन यादों में ये ड्रीम्स में चला जाता है। एंड दिस इज हाउ द पोएट्री एंड्स। तो किस तरह से राइटर ने इस बात को प्रेजेंट किया है कि रेन ड्रॉप्स हम इसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब यही बूंदों को हम डीपली फील करें, एहसास करें एकांत में, शांत में, तो हमें ये किसी न किसी ऊंचे ड्रीम की ओर जरूर ले जाएगा। यहाँ पे उसके ड्रीम्स में उसकी माँ थी और ऐसे ही कोई ना कोई ड्रीम्स में ये जरूर हमको ले जाता है। और दिस इज द वे ऑफ पोर्ट्स के लिए हम सबको, सुनने वालों को यानी आप स्टूडेंट्स को, मुझे उस ओर ले गया कि जैसे आप खुद ही इसको फील कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स, रेन ऑन द रूफ बाय पोर्ट्स के लिए। आपको करना क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पैराग्राफ वाइज।
स्टैंजा वाइज सुन लीजिए पॉज कर करके, और दूसरा काम करें इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।